Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Nagar Nigam mein Bhajpa ki double engine ki sarkar hai, afsar bhi hain, aur Bhajpa ke mahapaur Harikant Ahluwalia aur parshadon ki lambi chaudi fauj bhi. Lekin भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने पहुंचे एक फौजी को पीट दिया जाता है. आरोपी कर्मचारियों की शिनाख्त फौजी द्वारा की जाती है, लेकिन मामला चूंकि भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबे सिस्टम का है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इससे आहत राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज नगर निगम पहुंचकर न सिर्फ सिस्टम की काली करतूतों पर गुस्सा जताया, बल्कि यहां तक कह दिया कि सीमा पर देश की रक्षा करने वाले को अगर नगर निगम में पीटा जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नगर स्वास्थ्य अधिकारी गजेंद्र सिंह कहते हैं कि उन पर सामर्थ्य से ज्यादा दायित्व है, तो वह वापस सीएमओ ऑफिस क्यों नहीं चले जाते. डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नगर निगम के भ्रष्ट अफसर और स्टाफ के बारे में कहा कि उनके कुत्ते एसी में सो रहे हैं और बच्चे दून स्कूल में पढ़ रहे हैं, जबकि आम नागरिकों का रिश्वत के लिए बराबर उत्पीड़न किया जा रहा है. हराम खाओ स्टाफ, दाल में नमक बराबर भी खाए तो चलता है, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दी है. यदि 3 दिन में फौजी को पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी. पहले देखिए नगर निगम दफ्तर पहुंचे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को. उसके ये काम नहीं है, ना मेरा ये काम है, मुझसे ये काम नहीं. आप लिख कर दीजिए कि मेरे से हो, मैं कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आपसे, आप ये लिख कर दीजिए कि मेरे बस के काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा. तो आप लिख कर दो ना मुझे, आप अभी लिख कर दो, मैं लिख कर तैयार करो, मैं आ रहा हूँ अभी आपके दफ्तर. नगराज का नाम लिखो, मैं लेके जाऊँगा अभी. हाँ भाई, नहीं प्रमोद जी, अब आज मैं बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल किसी को. आज एक आदमी को साथ लेके जाऊंगा, या तो थाने मैं जाऊंगा या थाने वो जाएगा. अभी दिनेश जी ने दिया, अभी उनको क्या नाम आपके हरीश को कागज, 20 मिनट हो गए मुझे. हरीश ने भी तक नहीं देखा कि उस कागज की क्या पोजिशन है. क्या देखूंगा, देखना हूँ. अरे कंप्यूटर में कैमरे लगते हैं, नाम फिट करो, आधार कार्ड नंबर फिट करो, भूल लिया. 7 दिन जब तक उस नाले को बना के आप उधर पार करोगे तब तक डिस्टर्ब होगी. बाकी फिर दुकान रख के जैसा उन्होंने रख रखी चबूतरे वो भी रखे, मुझे कहाँ दिक्कत है. और इसका फैसला नहीं होगा. बरसात होती है तो नाव चलाने की नौबत आती है. अब आज की तारीख में सब बदल जाए, पटल परिवर्तन हो जाए इनका. नगराज को आप कहिए, मैंने कह दिया उसे. और फौजी को पीटने में जो लोग थे वो चिन्हित हो गए, फौजी ने उनको शिनाख्त कर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही. इस बारे में जब फर्स्ट बाइट डॉट टीवी ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से वार्ता की तो उन्होंने यह जानकारी दी. आज यहाँ पर आना हुआ, क्या वजह है, क्यों आना हुआ है? कई साल के बाद मजबूर होकर आज नगर निगम परिसर में आना पड़ा. 8-9 दिन पहले एक फौजी जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए यहाँ आया था और इन कर्मचारियों ने मिलकर उसको पीटा. उसकी तुरंत उसने शिकायत की, शिकायत में जांच हुई, उसने मौके पर शिनाख्त कर दिया कि ये कर्मचारी थे. और अभी तक फाइल दौड़ रही है, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता अपने जान दांव पर लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे. मैं उस कारण से नगर निगम परिसर में आज आया. जन्म मृत्यु पंजीकरण के भ्रष्टाचार को मैं पहले से उठा रहा हूँ. ये कोई डॉक्टर है गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, ज़बरदस्ती मुझसे लिया जा रहा है. मैंने उनसे कहा नहीं लिया जा, नहीं कर पास की काम है तो छोड़ो, इस्तीफा दो, सीएमओ की सर्विस में जाओ, यहाँ जो आएगा वो करेगा. लेकिन ये कोई तर्क नहीं कि जब तक तुम पर रजिस्ट्रार का चार्ज रहेगा तब तक बेईमानी होती रहेगी. मेरे सामने 6 महीने से एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उसको नहीं दिया. जब मैंने घुड़की दी तो हाथ के हाथ निकाल के उसका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का दे दिया, मुझे सामने प्रमाण मिल गया. इसका मतलब है कि इनको पैसे दो और इनके इस पैसे से इनके कुत्ते इसी में सो रहे हैं, लड़के इनके दून स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा. आम जनता के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा. भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इनकी जान की पे लग जाएगा, पीछे नौकरी करना हराम कर दूंगा.
दूसरी बात, छतरी पीर से घंटाघर सड़क बन रही है, 28 मीटर नाला नहीं जुड़ पा रहा है नगर निगम की वजह से, कि वो एक पहले राम रहीम फूल वाले की दुकान है, उसके नीचे से निकल कर फिल्मिस्तान की रोड पर जाता है, आज भी प्रमाण मौजूद है उसका, उसकी दुकान पर भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, एक 10 दिन को ज़्यादा नुकसान होगा, वो उसको उठा के नाला जोड़ देंगे पीछे की तरफ, फिर दुकान बना लो, हम दुकान को नहीं रोक रहे, लेकिन नाला नहीं जुड़ेगा, 24 करोड़ रुपया लगा रहेगा और 28 मीटर के कारण मोहल्ले के लोगों को जल भराव की परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया मुझे सोमवार तक रिपोर्ट चाहिए, अरे PWD से बात करके इस काम को करा के दो, अन्यथा फिर मैं निपटना दोबारा। भाई नगर निगम में एक ही सीट पर 20 साल से कार्यरत है, मैंने आज कह दिया मुझे पटल परिवर्तन चाहिए, और फिर किसी नेता के दबाव में उसका पटल परिवर्तन ना बदला जाए ये भी जरूरी नहीं, 3 साल के बाद कोई नहीं, ऐसे हाउस टैक्स में हालत है, ऐसी जन्म मृत्यु पंजीकरण में हालत है, जनता से जुड़े हुए जितने ऐसी निर्माण में हालत है, तो अब इन हराम खाऊओं को ईमानदारी की कमाई खाएं, दाल में नमक बराबर खाएं तो भी समझ में आती है, लेकिन इसके कारण जनता का उत्पीड़न, मेरठ की जनता का उत्पीड़न नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हम यहाँ हर तरीके से निपटने को तैयार हैं। सांसद जो लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं? अरे कार्रवाई अगर 3-4 दिन में नहीं होगी तो जो नई कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।